वेकोली के सास्ती कोयला खदान में 3 टन कोयले के 60 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। इस मामले में एक आरोपी को वेकोली द्वारा पुलिस को सौंप दिया गया है। बीते वर्ष के अंतिम दिन सामने आए इस मामले में कौन है आरोपी, आइए देखते हैं यह खबर। वेकोली के सास्ती परिसर की कोयला खदानों पर फिलहाल तस्करों ने अपनी बुरी नजरें डाली है। बीते वर्ष वेकोली के महाराष्ट्र सुरक्षा बल ने सफल कार्रवाई को अंजाम देते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ भारी मात्रा में कोयला जब्त किया। सास्ती ओपन कास्ट में गश्त के दौरान महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवान राहुल राठौड़, लक्ष्मण पाटिल, उमेश सिंह बयास, सचिन खुड़े अपना कर्तव्य निभा रहे थे। रात की गश्त दौरान सास्ती ओपन कास्ट से बिना नंबर प्लेट की ट्रॉली सहित अवैध रूप से कोयला चोरी कर ले जाते हुए उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने इस ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा कर पकड़ लिया। इस ट्रॉली में लगभग 3 टन कोयला था जिसकी कीमत 6 लाख रुपए बताई जाती है। सुरक्षा बलों के जवानों ने इस ट्रैक्टर चालक से जब पूछताछ की तब उसने अपना नाम प्रकाश नरसिंह कांपेली, उम्र 35 वर्ष बताया। वह बल्लारपुर का रहवासी है। यही नहीं, उसने कोयला माफिया जगन्ना उर्फ जग्गा नामक व्यक्ति का नाम बताते हुए उसके कहने पर यह चोरी करने की जानकारी भी दी। इस बीच सुरक्षा बल के अधिकारी कोंदलकर तथा WCL के अधिकारी राजूरकर ने आरोपी के साथ कोयले से भरे ट्रैक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया है। राजूरा पुलिस ने इस मामले में संबंधित धारा के तहत अपराध दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजूरा सास्ती परिसर की कई कोयला खदानों में इस तरह की घटनाएं पहले भी बड़ी संख्या में हुई थी, परंतु पुलिस के उचित सहयोग के अभाव में कई बार इन तस्करों पर कार्रवाई करना मुश्किल होने की बात वेकोली के कर्मचारियों द्वारा कही जा रही है। राजूरा से CTV के लिए हमारे विशेष संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।